हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, ये पैटर्न हमारा सिंगल कलर में है। ये पैटर्न कार्डिगन, लेडीज स्वेटर, गर्ल्स कुर्ती, फ्रॉक, लॉन्ग स्वेटर पे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 16 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं। ये देखिए, 16 के मल्टीपल में फंदे डालेंगे, यानी कि 16 के जोड़े के हिसाब से हमने फंदे डाल दें। 13 फंदे पे हमारा पैटर्न आ रहा है, और बीच में जो ये देखिए स्पेस देने के लिए ये 3 फंदे पे ये वाला पैटर्न आ रहा है हमारा, और ये 13 फंदे पे मैंने ये बटन पट्टी बनाई है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर बॉर्डर बनाएंगे। कोई सा भी बॉर्डर बना लेंगे आप, ये देखिए, और फिर हम इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। इस पैटर्न को हमने 10 नंबर की सिलाई में बनाना है। अब देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद फ्रंट साइड से फर्स्ट रो, ये यहाँ पे मैंने ये पहले से ही 23 फंदे डाले हैं। अब देखिए, ये 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये बॉर्डर बनाने के बाद हमारी फर्स्ट रो, ये 2 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी साइड करेंगे और 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए, ये 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, फिर धागा अपनी साइड रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये 3 फंदे हमने एक साथ बुनने हैं और इनसे 9 फंदे बना लेने हैं। ये देखिए, ये 3 फंदे हैं, ये धागा अपनी साइड है, और ये सिलाई भी हमने ये ऐसे आगे की साइड से डाली है, जैसे उल्टे फंदे बुनते हैं इस टाइप से। ये देखिए, ये एक फंदा बन गया। अब देखिए, दूसरा फंदा ऐसे सिलाई पे रोल करते हुए बनाएंगे। फिर ये देखिए, तीसरा फंदा, ये 3 फंदे बन गए। फिर चौथा फंदा ये सिलाई पे रोल करते हुए बनाएंगे। फिर पांचवा फंदा हम बुन के बनाएंगे। देखिए, ये 5 हो गए। फिर छठवां फंदा सिलाई पे रोल करते, फिर ये देखिए सातवां फंदा बुन के बनाएंगे। ये ऐसे ये 7 फंदे हो गए। फिर आठवां फंदा देखिए सिलाई पे ऐसे रोल करके बनाएंगे, और नौवां फंदा बुन के बनाएंगे। देखिए, ये हमारे 9 फंदे बन गए 3 फंदों से। अब इन 3 फंदों को ऐसे स्लिप कर देंगे। ये देखिए, 9 फंदे बन गए। फिर हम 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 5 फंदे हमारे उल्टे आ गए। फिर धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर धागा अपनी साइड, लास्ट में 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए, ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, बैक साइड से सेकंड रो, पहला फंदा उतार दिया, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे बैक साइड से। फिर धागा अपनी साइड, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये 3 फंदे हमने उल्टे बुन दे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये देखिए, और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ये बैक साइड से 5 फंदे सीधे आएंगे। ये 5 फंदे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए, जो ये एक्स्ट्रा फंदे बना रखे हमने,
इनको एक एक करके बुनेंगे, उल्टे बुनेंगे। ये देखिए 9 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। ये देखिए ये 9 फंदे उल्टे आ गए। फिर धागा पीछे करना है। अब तीन ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 5 फंदे हमने बैक साइड से सीधे बुनने हैं। ये देखिए ये 5 फंदे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी साइड 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 3 फंदे उल्टे बुने। फिर धागा पीछे 2 फंदे लास्ट में सीधे बुन लेंगे बैक साइड से। ये देखिए बैक साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। ये 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट 3 फंदे हमारे सीधे हैं, जो इसमें से ये थर्ड नंबर का जो फंदा है इसको ऐसे उठाएंगे राइट नीडल से, और आगे के 2 फंदों के ऊपर से उतार के ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब ये पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली बनाने के लिए, और ये दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे। जो फंदा हमने लेस किया था वो प्लस कर दिया जाली के द्वारा। फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब ये 5 फंदे हमारे उल्टे हैं, तो हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे 5 में से। ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 फंदे उल्टे बुने। अब देखिए यहाँ पे एक उल्टा फंदा रह गया। तो यहाँ पे 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा हमने ऐसे पीछे करना है, और जो ये उल्टा फंदा रह रखा है ये इस फंदे के साथ, इस सीधे फंदे के साथ बुनेंगे ऐसे में। देखिए ये 2 फंदे हमने एक साथ बुनने हैं। ये ऐसे ये 2 फंदे हमारे, ये 2 का एक कर लेना है ये ऐसे। फिर देखिए ये फंदे सीधे बुनेंगे। ये 8 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये देखिए ये 8 फंदे हमने सीधे बुन दिए। अब ये 9वें नंबर का जो सीधा फंदा है वो इस उल्टे फंदे के साथ बुनेंगे। तो पहले इस फंदे को ऐसे राइट नीडल से उठाएंगे और ऐसे पलटा के लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। अब देखिए ये 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, ये 2 का एक कर दिया ये ऐसे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर धागा पीछे। अब देखिए ये नेक्स्ट 3 फंदे हैं, इन पे पैटर्न बनेगा। तीसरे नंबर का फंदा उठाया और ऐसे आगे स्लिप कर दिया। फिर ये 2 फंदे हमारे एक सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड और दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से फोर्थ रो। ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 4 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी साइड 9 फंदे उल्टे। नौ फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे 3 फंदे, सॉरी 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 4 फंदे सीधे बुने। फिर धागा अपनी साइड 3 फंदे
उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे। ये बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए, अब फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। पहला फंदा उतार लेना है, ये दूसरा फंदा उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे करेंगे, अब तीन फंदे सीधे बुनेंगे। ये तीन फंदे हमने सीधे बुन दिए। फिर धागा अपनी साइड, अब देखिए यहाँ पे ये चार फंदे उल्टे हैं, तो इनमें से तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे। एक, ये दो और ये तीन। ये तीन फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर धागा पीछे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये दो फंदे एक साथ बुनने हैं, ऐसे बुनेंगे। ये सीधे, ये दो का एक कर लेना है। ये दो फंदे हमने एक साथ बुनने हैं। फिर इसके बाद ये दो फंदे एक साथ बुने, फिर यहाँ पे नेक्स्ट दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये ऐसे, ये दो फंदे हमारे एक और दो, ये दो फंदे भी हमने एक साथ बुनने हैं। ये दो का एक कर दिए। फिर धागा देखे अपनी साइड करेंगे जाली बनाने के लिए, और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये एक फंदा सीधा बुना, फिर यहाँ पे हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, ये दो का एक कर लेंगे। ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए दो फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ये पहला फंदा हमने ऐसे राइट नीडिल में लेना है, और पलटा के लेफ्ट नीडिल में डाल देना है। तो यहाँ पे ये दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये धागा अपनी साइड है और दो फंदे हमने एक साथ बुनने हैं, दो का एक कर लेना है। ये दो का एक किया, अब देखिए फिर यहाँ पे ये एक सीधा फंदा है हमारा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों को भी एक साथ बुनना है। तो पहले इस सीधे फंदे को ऐसे राइट नीडिल से उठाएंगे और ऐसे पलटा के लेफ्ट नीडिल में डाल देंगे। ये दो का एक कर लेंगे। ये दो का एक हो गया। फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर तीन फंदे सीधे। फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से सिक्स रो। पहला फंदा उतार दिया, ये दूसरा फंदा सीधा बुन दिया। बैक साइड से सिक्स रो चल रही है। अब तीन फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे, अब देखिए तीन फंदे सीधे आएंगे। ये बैक साइड से हमारे तीन फंदे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी साइड और आठ फंदे उल्टे आएंगे। ये देखिए, फिर धागा पीछे, तीन फंदे सीधे। ये तीन फंदे हमारे सीधे आ गए। ये तीन फंदे सीधे आए, फिर धागा अपनी साइड और तीन फंदे उल्टे आएंगे। फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे। देखिए, बैक साइड से हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई। अब फ्रंट साइड से सेवंथ रो। ये पहला फंदा उतार लेना है। फिर देखिए ये दूसरा फंदा उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट तीन फंदों पे पैटर्न बनेगा। ये जो तीसरा फंदा है, ये आगे के दो फंदों के ऊपर से उतार के ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, ये पहला फंदा हमने ऐसे सीधा बुनना है। फिर धागा अपनी साइड और दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेना है।
जो फंदा लेस हो रहा है जाली के द्वारा, फिर प्लस हो जा रहा है, फिर धागा अपनी साइड। अब दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये दो फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, ये दो फंदे हमने ऐसे में लेने, एक सिलाई में ये राइट निडिल में लिए हमने दोनों फंदे, और ऐसे पलटा के फिर लेफ्ट निडिल में डाल देने। अब यहाँ पे हमने ये तीन फंदे एक साथ बुनने, देखिए एक ये सीधा वाला और ये दो पलटाए वाले फंदे, तो इनको एक साथ बुनेंगे ये ऐसे। ये तीन फंदे हमने एक साथ बुन दिए, तीन का एक कर दिया, ये तीन का एक किया, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे ये ऐसे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और ये दो फंदे एक साथ बुनेंगे ये ऐसे, देखिए ये दो का एक करेंगे, दो का एक किया ये ऐसे, फिर देखिए यहाँ पे ये धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे ये एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, ये देखिए ये धागा अपनी साइड करेंगे यहाँ पे जाली बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने ये तीन फंदे बुनने, तो पहले हम ये दो फंदे, ये आगे के जो दो फंदे हैं इनको ऐसे उठाएंगे और ये राइट निडिल में ले लेंगे, फिर ऐसे पलटा के लेफ्ट निडिल में डालेंगे वापस ये ऐसे, ये पलटा के हमने लेफ्ट निडिल में डाल दी। अब एक उल्टा फंदा और ये दो सीधे फंदे, इन तीनों को एक साथ बुनना है ये ऐसे, ये तीनों को एक साथ बुनना, धागा अपनी साइड है और तीन फंदे हमने एक साथ बुन लेने ये ऐसे, तीन का एक कर दिया ये देखिए, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे। अब देखिए ये तीन फंदों पे पैटर्न आएगा, ये तीसरा फंदा उठाना है और आगे के दो फंदों के ऊपर से उतार के स्लिप कर लेना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दूसरा फंदा फिर सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे ये देखिए, ये फ्रंट साइड से हमारी सेवंथ रो कंप्लीट हो गई, और ये देखिए ये हमारा पैटर्न भी बन चुका है। अब बैक साइड से एट्थ रो, अब एट्थ रो में जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बुनेंगे, जो फंदे सीधे हैं सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, ये दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, फिर देखिए बीच में जिन फंदों पे पैटर्न बना है वो फंदे हमारे उल्टे आएंगे ये, नौ फंदे हमारे उल्टे आए, फिर धागा पीछे, दो फंदे बैक साइड से, दो फंदे ये सीधे आ रहे हैं, फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे आएंगे, फिर धागा पीछे, लास्ट के दो फंदे सीधे आएंगे ये देखिए, बैक साइड से हमारी एट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से नाइन्थ रो, नाइन्थ रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। अब देखिए रिपीट की मैं एक रो आपको बताती हूँ, ये पहले के दो फंदे, ये पहला फंदा उतार दिया, दूसरा फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे, अब ये तीन फंदे हमारे सीधे आएंगे ये तीन फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, पांच फंदे उल्टे बुनेंगे
ये देखिए ये पांच फंदे हमारे उल्टे आ गए। फिर धागा अपनी साइड रखेंगे और तीन फंदों से नौ फंदे बनाएंगे। ये देखिए ये तीन फंदे हमने एक साथ बुनने हैं, ये तीन फंदे हैं, ये देखिए इनके नौ फंदे बनाने। ये एक बन गया, अब दूसरा सिलाई पे धागा लपेट के बनेगा, तीसरा बुन के बनेगा, ये तीन, फिर चौथा फंदा ये देखिए धागा लपेटा और पांचवा फंदा ये बुन के बना। अब देखिए ये छठवां फंदा धागा लपेट के और सातवां फंदा बुन के बना और आठवें नंबर का फंदा ये देखिए धागा लपेट के और नौवें नंबर का फंदा ये बुन के बनेगा। ये हमारे नौ फंदे बन गए। और ये देखिए अब ये तीन फंदे हमने ऐसे स्लिप कर देने। नौ फंदे बनाने के बाद फिर हम पांच फंदे उल्टे बुनेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी नाइन्थ रो चल रही है और इस पे हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये पांच फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह हम अपने पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और हमारा पैटर्न बनके ऐसा दिखेगा। ये देखिए ये इस तरह से, और इसको हमने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।